प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब आप काम की बात करेंगे। और मुझे शर्म आती है कहते हुए, मेरे देश का प्रधानमंत्री उन गाली देने वालों को फॉलो करता है ट्विटर पे। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, ओपन डिबेट, एक मैं होऊंगा, एक नरेंद्र मोदी होंगे, बात करेंगे, 15 मिनट बात होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बंगाल को आके आप उंगली दिखाता है कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। हम तो पूछने चाहूंगे, आपको भी पूजा करते हैं? नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, मुद्दा कोई हो या ना हो, एक मुद्दा हमेशा सेंटर में होता है और वो मुद्दा है देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का। ऐसा कोई चुनाव नहीं 2014 के बाद से जब सिर्फ जनता ने ही मोदी मोदी नहीं जपा, बल्कि विपक्ष ने भी मोदी मोदी खूब जपा है। जनता ने जिन्होंने मोदी मोदी किया, उन्होंने तो फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिया, लेकिन जिस विपक्ष ने, या यूं कहें कि उन नेताओं ने जो सुबह शाम पानी पी पी कर पीएम मोदी को गालियां दे रहे थे, कभी भी डिबेट के लिए बुला रहे थे, हर बात के लिए पीएम मोदी को कोस रहे थे, यहां तक कि मीम बनने लगे थे कि इन नेताओं के घर अगर पानी भी नहीं आता तो उसके लिए पीएम मोदी ही जिम्मेदार है। ऐसे 5 नेता रहे हैं जिन्होंने दिन रात पीएम मोदी को गाली दी है, लेकिन अगर आज इन नेताओं को आप ढूंढने लगेंगे तो दूर दूर तक कहीं भी ये पीएम मोदी के सामने नहीं टिकते। आप माइक्रोस्कोप लेकर भी इन्हें खोजने लगेंगे तो ये आपको राजनीति में कहीं भी फिलहाल फिट होते नहीं दिख रहे हैं। हम ऐसे 5 नेताओं के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने पीएम मोदी को भर भर कर गालियां दी थी। शुरुआत करते हैं फिलहाल पीएम मोदी से सबसे ज्यादा टकराने वाली महिला ममता बनर्जी से। रात दिन पीएम मोदी को मंच से कोसने वाली ममता बनर्जी फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर पिघल रही हैं। पीएम मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की और कहा कि सब कुछ सकारात्मक और संतोषजनक है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि ममता इस तरीके से सॉफ्ट हो रही हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ममता वो बात समझ गई हैं, जिसे न समझने के कारण कई अहम राजनीतिक पार्टियां अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। 2 वर्ष के अंदर ही ममता को पता चल गया है कि कैसे उनकी बंगाल में जमीन खिसक रही है। उन्हें समझ में आ गया है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी और वे इसे अच्छी तरह से समझ गई हैं कि पीएम मोदी को हराने के लिए अब शब्दों और आलोचनाओं का मार्ग बिल्कुल भी उचित नहीं है। मोदी विरोध में ममता बनर्जी इतनी अंधी हो गई कि राज्य में होने वाले सांप्रदायिक हिंसा, विपक्षी नेताओं के विरुद्ध टीएमसी के सदस्यों द्वारा की जा रही गुंडाई या फिर हिंदू त्योहारों पर सरकार द्वारा लगाई जा रही अनुचित रोक पर इन्होंने किसी प्रकार का अफसोस नहीं जताया। उल्टा उन्होंने इसके लिए पीड़ित पक्ष और उनकी आवाज उठाने वाली बीजेपी को ही दोषी ठहराया। बंगाल को आके आप उंगली दिखाता है कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। हम तो पूछने चाहूंगे, आपको भी पूजा करते हैं? खाली एक सिंदूर का तिलक कटने से पूजा नहीं होता है। पूजा का मंत्रों का कंपटीशन हो क्या? अमित बाबू एंड मोदी बाबू चलाओ हमारा साथ, देखते हैं किसका अंदर में कितना संस्कृत मंत्रों है, हम दिखाता है। मैं बात बहुत दुख से कहा, मैं एक दफे पूरी मंदिर में गया जगन्नाथ देव को पूजा देने के लिए। उधर का जो प्रधान पुरोहित है, जो दैत्यपति है, हमारे घर में आके पूजा करते हैं, मेरे को साथ जान पहुंचे ने। तो मैं गया तो कोई लोग बीजेपी को कहा ममता जी को पूजा नहीं करने देंगे। हम बोला क्यों? अरे वो तो हिंदू नहीं है, हम बोला तुम्हारे पास हम सर्टिफिकेट देगा, हम हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है, क्या है, क्या चल रहा है, मेरे को पता नहीं। शायद इसीलिए बंगाल पर इतनी मजबूत पकड़ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनावों में हर संभव प्रयास करने के बावजूद भाजपा को 10 से कम सीटों पर नहीं रोक पाई और 42 में से 18 सीट जीतकर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के समक्ष
बंगाल में प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। सिर्फ ममता ही ऐसी नहीं है जो सीएम होते हुए पीएम मोदी को गाली दे रही हो। एक और शख्स हैं जो दिन रात पीएम मोदी को कोसते रहते हैं। यह है आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कभी बीजेपी और कांग्रेस के बाद उचित विकल्प माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने उसी समय गलती कर दी थी जब उन्होंने 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री दोबारा बनने पर अपनी लड़ाई भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ ना करके पीएम मोदी के विरुद्ध मोड़ दी। चाहे वो लालू यादव जैसे भ्रष्ट नेता से संधि कर महागठबंधन का जबरदस्ती हिस्सा बनना हो, पीएम मोदी की डिग्री को फेक घोषित करना हो या फिर पीएम मोदी को कायर और विकृत कहना हो, केजरीवाल ने पीएम मोदी को अपशब्द कहने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। मोदी विरोध के नाम पर केजरीवाल ने पहले उरी हमले के प्रत्युत्तर में भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 की शुरुआत में ही हुए पुलवामा हमले के प्रत्युत्तर में किए गए एयर स्ट्राइक्स पर भी सवाल उठा दिए कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहां बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा पूरी तरह से। बीबीसी वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। परिणाम स्वरूप जिस आम आदमी पार्टी को भारतीय राजनीति में एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा था, वो महज 4 वर्षों में दिल्ली एनसीआर की एक क्षेत्रीय पार्टी तक ही सिमट कर रह गई। अब बात एक और नेता की जिन्होंने भी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की राह ही अख्तियार की। इन्होंने भी देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम रहते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को जमकर कोसा, गुजरात के गधे तक ढूंढने लगे। अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए, और जिन्होंने एड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। पता नहीं कौन खबर देते था प्रधानमंत्री जी को। एक बार खबर दी किसी ने, एक बार खबर दे दी कि गांव में मथुरा के बिजली लगवाई है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया लाल किले से बताओ। और वह छानबीन हुई तो पता लगा 30 साल पहले वो गांव पहले ही बिजली विद्युतीकरण हो चुका था। अखिलेश यादव ने 2017 में सत्ता वापसी की पूरी तरह से तैयारी कर ली, परंतु उन्होंने भी केजरीवाल की भांति अपनी लड़ाई राज्य में कुशासन के विरुद्ध ना करके पीएम मोदी को नीचा दिखाने की ओर मोड़ दी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मोदी विरोध के नाम पर तो महाशय ने उसी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया जिसने कुछ ही महीने पहले ये नारा निकाला था, 27 साल यूपी बिहार। फिर क्या था, जनता ने भी इन्हें अपनी तरह से जवाब दिया और नोटबंदी के कारण उत्पन्न चिंताजनक माहौल के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतते हुए अपने दम पर 312 सीटों पर विजय प्राप्त की। बहुमत तो छोड़िए, कांग्रेस और सपा दोनों को ही 50 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने इस परिणाम से कोई सबक ना लेते हुए पीएम मोदी और उनके निजी संबंध पर टिप्पणियां करने लगे। गुजरात के लोगों की देशभक्ति का मजाक उड़ाना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो, अखिलेश यादव जानबूझकर पीएम मोदी को भड़काने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। जब भाजपा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अप्रत्याशित रूप से चुनाव हार गई तो अखिलेश यादव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और उन्होंने तपाक से ट्वीट किया,
अब की बार खोदी सरकार। अंत में परिणाम ये निकला कि लोकसभा चुनाव में पूरे देश की तो छोड़िए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। अब समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और अनुच्छेद 370 का जिस तरह इन्होंने विरोध किया उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन सकती है। अखिलेश यादव की तरह ही एक और पूर्व सीएम है जिनकी पीएम मोदी तो खूब इज्जत करते हैं, लेकिन जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा तो पीएम बनने के सपने पालने लगे। ये है चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता की लालच में एक बार फिर वही गलती दोहराई जिसके लिए आज भी उनकी आलोचना होती है। अपने ससुर और आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक रहे एनटी रामा राव की भांति चंद्रबाबू नायडू ने भी विश्वासघात कर न सिर्फ एनडीए छोड़ा बल्कि भाजपा के विरुद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी लाने का प्रयास किया। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने केजरीवाल की राह पर चलते हुए पीएम मोदी को हर प्रकार का अपशब्द कहा। उन्हें नीचा दिखाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु इसी अंध विरोध में वे ये भूल गए कि उनके अपने राज्य में वाईएस जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता की चुनौती उनकी प्रतीक्षा कर रही है। परिणाम वही रहा, लोकसभा तो लोकसभा, चंद्रबाबू नायडू को विधानसभा में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। परंतु अगर मोदी की आलोचना में कोई युवराज से अगर आम हो गया तो वो है राहुल गांधी। लगातार 15 साल से कभी भी पीएम बन जाने का मादा रखने वाले राहुल गांधी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। राहुल गांधी का दिन पीएम मोदी की आलोचना से ही शुरू होता था और पीएम मोदी पर ही खत्म होता था। पीएम मोदी की आलोचना करने में राहुल ने सभी सीमाएं पार कर दी और सेना पुलिस प्रशासन किसी को भी नहीं छोड़ा। एक एक कर कांग्रेस के सभी पुराने गढ़ उनके हाथ से फिसलते गए, परंतु राहुल का सारा ध्यान पीएम मोदी को नीचा दिखाने पर ही केंद्रित था। पीएम मोदी को नीचा दिखाने की जिद में राहुल इतने अंधे हो गए कि उन्होंने आतंकियों तक का महिमा मंडन शुरू कर दिया। पुलवामा में बम फटा, 40-45 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए। किसने बम बस में किसने बम फाड़ा, नहीं सुनिए, बम किसने फाड़ा? जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, याद होगा। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदहार में हवाले करके आ गए थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के पतन के पीछे राहुल बाबा का मोदी पुराण ही मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा। खैर, मुद्दा इतना ही नहीं है कि इन नेताओं का पीएम मोदी को गाली देना। गाली देने का नतीजा अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी ने देख लिया है। अब बारी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की है। अगर इन्होंने इन तीन नेताओं से अब तक नहीं सबक लिया तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का 2021 विधानसभा में पत्ता कटना लगभग तय ही है।